बल्लभगढ़ के डीपीएस पब्लिक स्कूल में मंगलवार को सीबीएसई के 10वीं के परीक्षा परिणाम में टॉप रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स का जोरदार स्वागत किया गया। बच्चों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया तो पेरेंट्स का भी फूल मालाओं के साथ जबरदस्त ढंग से वेलकम किया गया। सफल बच्चों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस अवसर पर स्कूल के प्रोफेसर वाइस चेयरमैन एसपी लाल, श्रीमती रानी लाल और स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर आरती अनिल लावंद ने सभी का स्वागत किया। ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में माइक पर एक पिता अपने बच्ची की सफलता से इतना भावुक हो गए कि वो माइक पर रुआन से हो गए, वो कुछ बोल भी नहीं पाए। बाद में उन्होंने बताया कि खुशी के मारे तथा दिल में भावना भर जाने के कारण कुछ बोलने के लिए ही शब्द ही नहीं मिले। माइक पर आए अन्य सभी पेरेंट्स ने भी स्कूल प्रबंधन की जमकर तारीफ की तथा कहा कि वास्तव में ही स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रदान करने का जो जज्बा डीपीएस में है वो सचमुच प्रशंसा भरा है। पढ़ाई करते थे? मेरा ऐसे कुछ शेड्यूल नहीं है, पर जब मन करता जब पढ़ती हूँ, जब मन से पढ़ो तभी समझ आता है। ऐसे नहीं पढ़ती कि इतने घंटे पढ़ना ही है। बिल्कुल। घर में कोई प्रेशर रहता था मम्मी पापा का कि ज़्यादा पढ़ो? अच्छा, किचन में मम्मी का हाथ बढ़ाती हो? हाँ, अपनी मर्जी से, करना भी चाहिए। अच्छा, करना मम्मी की तरफ से प्रेशर होता था? नो, बिल्कुल। अच्छा, जो सोशल मीडिया है आजकल बहुत हावी है। हाँ। लोग पबजी, बच्चे पबजी खेलते हैं, इंस्टाग्राम पर चलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप भी यूज करते हो सोशल मीडिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा, अभी तो कहीं भी नहीं। स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, मतलब मेरे को ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतनी अच्छी फैकल्टी है। और संडे को भी बुलाते हैं, सैटरडे को भी बुलाते हैं, मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी है। टेंथ में आपने जो अचीवमेंट हासिल की है, नेसेसरी बात है, अच्छी बात है। आने वाले टाइम में 11th और 12th में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या इस बात का भी स्ट्रेस है आपको? दबाव तो नहीं है? नहीं। जैसे आप फ्रीली पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे? क्या बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे आप? मेरे को एविएशन में जाना है पायलट। अच्छा, भाई ये तो नया, किस लिए चुना ये? इसी मन एंड ड्रीम है बचपन से। आप, अच्छा, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार जी। गोयल जी, मैंने आपको देखा अभी थोड़ी देर पहले, आप भावुक हो गए थे, आपसे बोलने के लिए कहा गया था, आप निःशब्द हो गए थे, बोल नहीं पाए थे, क्या मन में आ रहा था उस समय? मन में कहने को बहुत कुछ था, पर उस टाइम ऐसा मौका था कि मैं पहली बार स्टेज पे था और बेटी मेरी फर्स्ट आई थी, तो मैं, मेरा गला भर गया, तो मैं नहीं बोल पाया कुछ। बाकी बोलने को तो अब क्या बोलूँ, अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दिल खुश है, स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद है, टीचर्स अच्छे हैं और बेटी ने तो नाम रोशन किया ही है और आगे भी करती रहेगी। स्कूल के बारे में आपने कहा कि शब्द नहीं है, उनके उनको बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल। जब आपने बच्चे को एडमिशन दिलाया था या डीपीएस चुना था, तो क्या आप सोच के चुना था कि आपको ये भी लगा होगा कि यहाँ का स्टाफ जो है, टीचिंग स्टाफ बहुत हाईली क्वालिफाइड है? नहीं, पहले तो कुछ भी किसी को पता नहीं होता। अच्छा, पहले तो किसी को भी कुछ नहीं पता होता, परंतु जब बच्चों के एडमिशन करा दिया उसके बाद पता चलता है, हाँ बातें ही यहाँ पे पढ़ाई है और बच्चों पे अच्छी वो है पढ़ाई, क्या कहूँ मैं, अब आप देख ही रहो रिजल्ट क्या आ रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल है आरती अनिल लावंद, उनसे कभी आपसे पर्सनल टॉकिंग हुई है कभी? आप बातचीत होती रही है कभी? नहीं, नहीं। स्कूल प्रोफेसर वाइस चेयरमैन एसपी लाल ने पेरेंट्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि स्कूल की आईआईटी फैकल्टी कड़ी मेहनत कर रही है। निश्चित रूप से अगली बार 12th का जब पहला रिजल्ट आएगा तो परिणाम काफी चौंकाने वाले होंगे। वो है आप, इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम को और सारे स्टाफ को थैंक्स कहूंगा। आज डीपीएस बल्लभगढ़ का रिजल्ट पूरे सिटी में टॉप बनते हैं। स्कूल की तरफ से ऐसे कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे जिससे आपका स्कूल का नाम और रोशन हो? यहाँ पर पूरी आईआईटीएंस की मेडिकल की टीम्स, पूरी टीम यहाँ पर अवेलेबल है, और आईआईटीएंस और एक तो डॉक्टर साहब है हमारे पास, एमबीबीएस डॉक्टर है, वो भी बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे निकल कर आ सकते हैं आपके डीपीएस बल्लभगढ़ से? जैसा कि मैम ने बताया कि 30 बच्चे हैं उस पर। मैं होपफुल हूँ 30 बच्चे आईआईटी और मेडिकल को क्रैक करें। जिन चीज़ों की जरूरत होगी, यानी कि फंडिंग का भी अगर बात की जाए, जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप उसमें, आपकी जो संस्था है, स्कूल की संस्था है, उसमें कितना योगदान कर सकता है? संस्था 100% योगदान दे रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, और अभी भी आईआईटी इसकी पूरी
कोचिंग्स हमारे स्कूल में अवेलेबल है, मेडिकल की अवेलेबल है और बेस्ट सैलरी बेस्ट पैकेज के साथ हम इनको लेते हैं। प्रिंसिपल आरती अनिल लावंद ने बच्चों से कहा कि अब आने वाली कॉलेज लाइफ में और अधिक मेहनत करके अपना टारगेट अचीव करो। स्कूल लाइफ में उन्होंने जितना अनुशासन रखा उसे बरकरार भी रखना है। उन्हें अब तक अनुशासन में रहना सिखाया जाता रहा क्योंकि यहाँ स्कूल का कंट्रोल था, लेकिन कॉलेज में बंधन नहीं होगा। बच्चों ने जिस प्रकार कड़ी मेहनत करके बेहतरीन रिजल्ट हासिल किया, भविष्य में भी उसी प्रकार हासिल करेंगे। हर तरह से अपने रिजल्ट्स के लिए बहुत जाना माना स्कूल है और फिर से एक बार विथ ऑल माइटीज ग्रेस हमने एक साधा ऑफ एक्सलेंस को कंटिन्यू किया है और इस बार दोबारा से पिछले साल से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा रिजल्ट लाया है और पूरे शहर में हमारा एक टॉप रिजल्ट आया है। इस बार भी हमारे हाईएस्ट बच्चे ने जो टॉप रिजल्ट लिया है वो 98.8% पे लिया है। ऑलमोस्ट मेरे 25% स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के दे आर अबव 95% and almost I would say 52% are above 90% and rest of them are I would say almost 74% children they are coming above 85%. तो यही बताता है कि बहुत ही उम्दा रिजल्ट है। 98 जो रेट टॉपर है आपके स्कूल में वो बॉय या गर्ल है? सर गर्ल चाइल्ड है हर्षिता, जिसका 98.8 आया है। नेक्स्ट चाइल्ड का 98 आया है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चे का है वो 97.8 पे आ रहा है। तो इस तरह से हमारा साग ऑफ एक्सलेंस गोज है। क्या उम्मीद करते हैं आप क्या जब 12th का जब अगली बार रिजल्ट आएगा? दिल्ली पब्लिक स्कूल में सभी IITians हर सब्जेक्ट के IITians पढ़ा रहे हैं IIT के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं नीट को क्रैक करने के लिए, मैथमेटिशियंस हाई लेवल के हैं, फिलोसोफर्स टू फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप लेवल के हैं। वेदर इट इज आई वुड से बच्चा कोई CA बनना चाहता है या कोई भी फील्ड में जाना चाहता है, हमारे पास बेस्ट मेंटर्स हैं पूरे शहर में। मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि हमारे जो मेंटर्स हमारे DPS बल्लभगढ़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पूरे मेंटर्स पूरे शहर में कहीं पे भी नहीं है। और उनके भरोसे एंड ऑफकोर्स ऑल माई टीज ग्रेस आई एम 100% श्योर 30 स्टूडेंट्स मिनिमम DPS बल्लभगढ़ इज गोइंग टू गिव इन कमिंग सेशन इन IIT एज वेल एज नीट। बच्चों ने प्रोग्राम में ढोल पर जमकर भांगड़ा डांस किया।